नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। बात करेंगे हम लोग 22 जून की, और यहाँ पर आपको दो बातें मुझे बतानी है, बल्कि कहूँ तीन बातें आपको मुझे आज बतानी है। पहला ये कि 22 जून को जो मंगल राशि, मंगल जो है वो कर्क राशि में आपके गए हैं, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 45 दिन तक काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल रहने वाली है, वो आपको आई कार्ड में मिल जाएगी। साथ साथ मेष राशि का 2020 का राशिफल मैंने आपको दे दिया है, आप उसे एक बार ज़रूर चेक कर लें तो बेहतर रहेगा। और इसी तरह से 12 राशियों का राशिफल मैं आपको धीरे धीरे करके देता रहूँगा। साथ ही साथ 23 जून का राशिफल हो सकता है आपको ना मिले, क्योंकि मैं जो है फैमिली के साथ एक ट्रैवल पे जा रहा हूँ, और कोशिश करूँगा जैसे रोहतांग की आपको वीडियो दी थी उसी तरह से वहाँ की वीडियो दूंगा। बता नहीं रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको एक वी ब्लॉग आपको दिया जाए। और रोहतांग वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, मनाली वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो सुबह 11:30 बजे से लेकर 12:51 बजे तक आपका अभिजीत मुहूर्त रहेगा, और राहु काल रहेगा लगभग लगभग 9 बजे से लेके आपके 10:30 पौने 10 तक, 11:15 तक। तो इस बीच में थोड़ा सा संभल कर चलिएगा और कोई काम नया मत कीजिएगा। मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि आपको ज़्यादा अपनी बातों का, विचारों का आदान प्रदान कल नहीं करना है। कल स्थितियाँ ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है कि आपकी कहीं भी बात, आपका आइडिया, आपका कोई प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपने बड़ी शेखी से बताया किसी को, और वो आपका क्रेडिट ले जाए और आपको अप्रिसिएशन भी ना मिले। इसलिए अपनी बातों को करते समय सीक्रेट रखें, और ज़्यादा अपने फ्यूचर एंडओवर्स को ज़्यादा किसी के साथ शेयर ना करें। जहाँ तक आपके लव रिलेशनशिप की बात है, तो मैं ये कहूँगा कि आपने पिछले दिनों कुछ गलतियाँ ऐसी की हैं जिसमें आपने शायद अपने रोमांस को उतना ज़्यादा रेट नहीं किया जितना आपको करना चाहिए था। अब आपको समय है कि आप इस बारे में सोचें, और कल्पनाशील होने की बजाय आप थोड़ा सा धरातल पर सोचें और आगे अपने आप को लेकर जाएं। आपकी पार्टनर जो है वो आपके साथ है, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। अपने जो पुराने काम पड़े हैं उन्हें थोड़ा सा स्पीड दें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो दिक्कतें मैं कहूँगा बढ़ती हुई आपकी हो सकती हैं। इसलिए अपने काम को थोड़ी सी प्राथमिकता दें जिससे आप अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो वृषभ राशि वालों आप आज बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम चाहते हो अपने काम करने में, बोलने में काफ़ी फ्रीडम है आपके, आप जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको जो फ्रीडम चाहिए काम में वो आपको मिल भी रही है। लेकिन अभी क्या है कि स्थितियाँ ऐसी है कि परिश्रम तो है लेकिन उतना ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि फ़ायदा जो है वो आपको नहीं हो रहा है, तो कुछ नया करने का प्रयास करेंगे आप कल, और जिसमें आपको कुछ परसेंट मैं कहूँगा सफलता भी मिलेगी, लेकिन पूर्ण तरह से सफलता मिलने में भी आपको समय लग सकता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप बहुत ज़्यादा फोकस हैं और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। प्यार की स्थिति जो है वो ऐसी है कि वो ठीक ठाक चल रही है, कुछ ज़्यादा उसमें रोमांच अभी देखने को कल नहीं मिलता। मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो मिथुन राशि वालों आज कुछ नया काम करने की चेष्टा होगी लेकिन बाधाएं मिलेंगी, लेकिन सफलता भी प्राप्त हो सकती है। आपके जो संबंध हैं कल बेहतर होते हुए दिखाई देंगे, और आप लोगों को जज अच्छे से कर पाओगे कल। और ग्रहों के संकेत ऐसे हैं कि कल आप काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ भी रहोगे, और कहीं ना कहीं जो एक चिड़चिड़ापन आ रहा था आपके अंदर, वो चिड़चिड़ापन आपका कल जाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत यहाँ पर कहा सुनी आपकी हो सकती है, लेकिन विवाद कुछ ऐसा नहीं होगा जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं, कहा सुनी है, वो हर रिलेशनशिप में होती हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें और बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताएं। आज का दिन कैरियर और धन की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करता हुआ दिखाई देगा। कुछ मुश्किल कार्यों को आप बहुत ही आसानी के साथ करते हुए दिखाई देंगे। दिन अच्छा है आपके लिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आज कुछ किसी बात का डर है आपको, और आपने शायद कुछ वैसे तो घबराने की ज़रूरत है नहीं, आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिससे आप डरें, लेकिन पता नहीं क्यों अनसर्टेनिटी के जो बादल हैं वो कल आपके ऊपर छा रहे हैं, जिससे कन्फ्यूजन एक तरीके का देखने को मिल रहा है। कुछ स्वास्थ्य में भी कल गिरावट देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं इसके लिए आपको थोड़ा सा व्यायाम करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत भी है। अगर आप एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में हैं और कहीं ना कहीं किसी की तरफ आकर्षित हैं, तो समय निकालें उनके लिए और उनसे बात करें, बेहतर रहेगा आपके लिए। सिर्फ मन में सोचने से
मुझे नहीं लगता कि कुछ काम आपका बढ़ने वाला है। आपको जो वित्तीय आपका है स्थिति, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा अपने जो मतलब सोच है आपकी, उस सोच को ज़्यादा गहराई में लेकर नहीं जाना है, नहीं तो दिक्कतें आपकी बढ़ सकती हैं, आप एग्जीक्यूशन पावर आपकी कमज़ोर हो सकती है। सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज कुछ नर्म बने रहेंगे और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहेंगे, और किसी की तरह भी आप मतलब संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं ज़िंदगी में जो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उन्हें संतुष्ट करने की। मैं कहूँगा कि अपना काम पहले देख लें तो बेहतर रहेगा, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा राधा दें कि आप दूसरों को प्लीज़ करने में लगे रहें। अगर आपके रिश्तों को आप पटरी पर लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। और परिवार के मध्य में आप अपनी इस बात को रख सकते हैं, अगर आपकी कई लव रिलेशनशिप में आप इंक्लूडेड हैं तो अपनी आपका देखभाल करना ज़रूरी है, अपने आप को देखना ज़रूरी है। कल कार्य क्षेत्र में आपके साथ भाग्य रहेगा, और आपके पास जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे। कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज आपको एक अनुभव की ज़रूरत है। अतीत से चिपके रहेंगे तो कुछ हासिल आपको नहीं होगा, और अतीत से सीखना ज़रूरी है आपको, परंतु अगर आप एक ही बात को बार बार घसीटेंगे और तो उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा नहीं। आज आपको गुस्से से भी बचना होगा। हालांकि प्रेम के लिए दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा, कहीं ना कहीं आप उनके साथ थोड़ा समय बिताते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो बाहर की स्थिति है वो कुछ खास बनती हुई दिखाई नहीं देती। यात्राओं के अवसर बनते हुए दिखाई देंगे जिसका आप तहे दिल से स्वागत करेंगे, और कहीं ना कहीं उनके साथ हो सकता है कि आपका कुछ धन लाभ की स्थिति भी आपकी बन जाए। तो दिन मिक्स बैग की फीलिंग कहूँगा कि रहकर आएगा आपके लिए, एवरेज रहेगा दिन आपके लिए। तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी मन में आ रही है, और कहीं ना कहीं कुछ नए जो विचार हैं वो आपके अंदर यहाँ पर उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी स्थिति है कि वित्तीय परेशानियाँ आपको आई हैं, लेकिन वो वित्तीय परेशानियाँ आपकी निकल जाएंगी जल्दी। आपको ध्यान देना है, बस गाड़ी चलाते समय आपको ध्यान देना है। कल आज रोमांस जो है वो ऑन द एयर है, आपको ध्यान रखना है कि आप इस समय का फ़ायदा उठाएं और अपनी जो भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त करें, और कहीं ना कहीं ये दिन आपके लिए ठीक रहेगा। हालांकि आपको सभी कार्यों को जल्दी ही पूरा करना है, क्योंकि आपका काम बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और असावधानी के कारण सुस्ती भी आप महसूस कर रहे हैं। जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन आपकी एग्जीक्यूशन थोड़ी सी यहाँ पर कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा तालमेल बनाने की ज़रूरत रहेगी। अपने आप का ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो वृश्चिक राशि वालों की जो गलत जानकारी आपको प्राप्त हुई थी, अब उसको करेक्ट करने का समय है। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों से बच के रहो जो आपको सपने दिखाते हैं लेकिन हकीकत में आपके साथ खड़े नहीं होते। आपको अपने नज़रिए में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बढ़ता हुआ वजन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है आपको, थोड़ा सा खान पान में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। हालांकि प्यार आपके साथ खड़ा है, भाग्य आपके साथ खड़ा है, आपको नई जानकारियाँ मिलेंगी, लेकिन उन जानकारियों पर मैं कहूँगा कि अमलीजामा पहनाने से पहले थोड़ा सा एक बार देख लें। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कठोर दिखते हैं, लेकिन आप कठोर बिल्कुल भी नहीं हैं। आप अपने साथ अपने दोस्तों के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से अपना बेहतरी आप करते हुए जानते हैं। दिन कुल मिलाकर ठीक है आपके लिए। धनुराशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपकी मदद की ज़रूरत है, और जल्दी जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, टीम वर्क को समझेंगे तो बेहतर है। आप अकेले बहुत काम कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी में जब आपको मेहनत के साथ 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 की ज़रूरत होती है, तो साथ आपको मिलेगा कल, चिंता वाली बात नहीं है। आपको चाहिए कि आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें और अपने आप को तरह तरह की एक्टिविटीज़ में अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आपको बेहतर आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। संबंध बेहतर रहेंगे, और कहीं ना कहीं कार्य में आप अपने बहुत अच्छी तरीके से जिम्मेदारियों को निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर समय मैं कहूँगा अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज आप मन चाहे तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके प्रयासों में सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। पुराने सब जो नुकसान हुए आपके उनकी भरपाई आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपकी बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है।
अगर आप स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा और सचेत रहें तो आपका प्रदर्शन और सुधर सकता है। अगर आप अपने सारे कामों में व्यस्त रहेंगे, इसका थोड़ा सा असर आपकी लव रिलेशनशिप पर आता हुआ दिखाई देगा, जिससे कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा स्वभाव आपका हो सकता है। जो बातें शुरुआत में अच्छी लगें, बाद में कड़वी लगें, उस पर बैलेंस करना ज़रूरी हो जाता है। आप अपने परिवार के हित के लिए खड़े हैं और काम करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं इस बीच में अपने आप को थोड़ा सा मैं थका हुआ महसूस भी कर सकते हैं। दिन अच्छा है, मेहनत करने का दिन है, लेकिन थोड़ा सा परिवार की तरफ भी देख लें तो बेहतर, आपको रिजल्ट मिलेंगे। कुंभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का दिन आपका रहेगा, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग हैं जो ईर्ष्या करते हैं आपसे, लेकिन उनकी चिंता आपको नहीं करनी है। आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर आपका रहेगा। छोटी मोटी तकलीफें आपको कल परेशान कर सकती हैं, लेकिन थकान आपको कल ज़्यादा तरीके से परेशान करेगी। लोगों की सहानुभूति के लिए आप पास आएंगे, कहीं ना कहीं आपको इस बात का प्रयास करना है कि आप ज़्यादा किसी के चक्करों में ना पड़े, विवादों में ना पड़े। अगर आप एक बेरोजगार हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे रोजगार की तलाश आपकी कल पूरी हो सकती है। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दस्तक दे सकती हैं। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। इस बात का आप ध्यान रखें, नौकरी में पक्षपात बिल्कुल ना करें और पहले अपनी कैरियर की तरफ ध्यान दें तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फोकस करने की ज़रूरत है। लव रिलेशनशिप्स आपकी ऑटोमेटिकली पटरी बनाएंगे, कुछ समय जाने की बात है। अब बात कर लेते हैं हमारी मीन राशि की, कि मीन राशि हमारी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। मीन राशि, देखो ऐसा है कि आपको आप फ्लैम्बॉयंट हो रहे हो, और कहीं ना कहीं इससे मुश्किलें बढ़ जाती हैं। मुंह पर बोलना किसी हद तक ठीक भी होता है, और कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें भी लेकर आता है। आज पानी से जुड़ी भी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। आप ज़्यादा कल तैराकी ना करें तो बेहतर रहेगा। और दिन की शुरुआत में आपके पार्टनर के साथ कुछ मतभेद होंगे, लेकिन शाम आने आने तक स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। शांति आपकी बनी रहेगी, शांति और सौहार्द जिसे कहते हैं वो बना रहेगा। अब व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरफ से आपके ऊपर जिम्मेदारियों का भार है। आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब बढ़ी हुई हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो साथ में काम करते हैं उनके जो परफॉर्मेंस है उससे आपका बॉस खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दोहरी मार इस समय पड़ रही है कल के दिन, तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करना है, क्योंकि कल थकान, सरदर्द जैसी दिक्कतें कल आपको हो सकती हैं। संभल कर चलने का दिन है, थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना। तो दोस्तों ये हुआ एक छोटा सा अवलोकन। 9411848508 मेरा नंबर है, बटना अगर अभी 2411 मेरी ईमेल आईडी है। ध्यान रखिए, एनालिसिस पेड रहते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए, बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलेगा।